नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। रेखा, ये फिल्मी दुनिया का ऐसा नाम है जिस नाम के पीछे दशकों से लोग दीवाने हैं। आज भी इनके चाहने वालों की कमी नहीं है, पर आज हम आप सभी के सामने इनके जीवन से जुड़े बड़े खुलासे के साथ हाजिर हुए हैं। रेखा ने जब से फिल्मी दुनिया में कदम रखा, इनकी निजी जिंदगी को लेकर चर्चाओं का बाजार हर वक्त गर्म रहा। अमिताभ बच्चन से लेकर फिल्म जगत के ढेरों सितारों के साथ इनका नाम जुड़ा। मुकेश अग्रवाल से रेखा की शादी भी हुई, पर शादी के कुछ समय बाद ही मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली। चर्चाएं रेखा के सिंदूर लगाने पर भी खूब होती रहती हैं, लेकिन आज तक इस बात का जवाब नहीं मिल सका कि रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं। आज के वीडियो में हम रेखा की सेक्रेटरी के साथ उनके संबंध के बड़े खुलासे के बारे में बताएंगे। रेखा के साथ अक्सर पार्टियों, इवेंट्स, अवार्ड शो और यहाँ तक कि संसद में भी एक लेडी को देखा जाता है। रेखा के साथ अक्सर नजर आने वाली इस लेडी का नाम फरजाना है। फरजाना पहले रेखा की हेयर स्टाइलिस्ट थी और फिर बाद में उनकी सेक्रेटरी हो गई। पत्रकार मोहनदीप ने अपनी किताब यूरेखा में फरजाना और रेखा के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। फरजाना करीब 32 साल से रेखा के साथ साए की तरह रहती हैं। किताब के मुताबिक रेखा और उनकी सेक्रेटरी फरजाना के बीच वो रिलेशन है जो एक पति और पत्नी के बीच होते हैं। इस किताब में रेखा के बेडरूम के बारे में भी ढेरों हैरान कर देने वाली बातें बताई गई हैं। कहा गया है कि रेखा के बेडरूम में कोई नहीं जा सकता, पर फरजाना को इनके बेडरूम तक किसी भी वक्त आने जाने की पूरी छूट है। फरजाना का पहनने का ढंग भी पुरुषों की तरह ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये बात भी बार बार कही जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से पति पत्नी की तरह व्यवहार करते हैं। रेखा और फरजाना के संबंधों के बारे में पत्रकार मोहनदीप के अलावा पत्रकार मालविका संघवी ने भी लिखते हुए जिक्र किया है कि रेखा के लिए फरजाना एकदम परफेक्ट है। रेखा फरजाना को अपना सब कुछ मानती है। फरजाना रेखा के लिए उनकी आंख, नाक, कान, मददगार और सलाहकार की भूमिका निभाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये मशहूर अदाकारा रेखा उनके बिना एक कदम नहीं उठाती। फरजाना के बिना रेखा का रहना भी मुश्किल होता है। रेखा अपनी सेक्रेटरी फरजाना को अपनी सोल सिस्टर मानती हैं, पर इन बातों को लेकर अभी तक कोई पूरी बात न सामने आई, ना ही इस बात पर बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है जिससे इसकी पुष्टि हो सके, क्योंकि समय समय पर रेखा और फरजाना के संबंधों पर केवल अटकलें ही लगती रही हैं। पर भाई, इन पत्रकारों ने जब इतना बड़ा दावा किया है तो कई लोग इससे नाराज भी होंगे। रेखा के चाहने वालों को तो करारा झटका भी लगा होगा। रेखा इस मामले पर कब खुलकर जवाब देंगी कुछ पता नहीं, पर मैं एक बार फिर से दोहराते हुए बताना चाहूंगी कि रेखा फरजाना को अपना सोल सिस्टर ही बताती हैं। अब ये हकीकत है या फसाना, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो ये वो बड़ा खुलासा था जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। इसी तरह फिल्मी गलियारों की ढेरों अनसुनी कहानियों, बड़े खुलासे के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर होती रहूंगी। तब तक के लिए मुझे यानी गरिमा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।